नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब सुशांत सिंह राजपूत को इतने दिन हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए, तो सीबीआई अच्छे से जांच क्यों नहीं कर रही है? क्या सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व ही नहीं करना चाहती है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सबूत देने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि सीबीआई की अभी तक की जो जाँच रही है वो निश्चित तौर पर बेहद ही धीमी रही है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने की उम्मीद भी अब हम सीबीआई से कर नहीं सकते। ऐसा हम किस वजह से कह रहे हैं वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा लग नहीं रहा है कि सीबीआई किसी भी तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व कर पाएगी। अब सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो बेचारे किस तरह से सीबीआई से उम्मीदें रखें, क्योंकि हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसे भी बहुत सारे सबूत मिले हैं जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब तक कब का सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि सीबीआई ने तमाम सबूतों को इग्नोर किया। क्या आप इस बात को भुला सकते हैं कि कुछ लोगों ने दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर रिया चक्रवर्ती उस रात देखी गई जिस रात सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो गए? और इसके अलावा क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उसी रात पार्टी हुई थी जिस रात सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए, और उसी पार्टी में ये सब कुछ हुआ? ऐसा बहुत सारे लोगों ने दावा किया, बल्कि कई बड़े नेता ने भी दावा किया था। अब आप खुद बताइए कि जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था मुंबई में, उस टाइम पर भी लोग पार्टी कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर जो इतना बड़ा काम कर सकता है, इतना बड़ा कांड जहां पर रात दिन रोड पर पुलिस खड़ी थी, इसके बावजूद जो इंसान पार्टी में आ सकता है निश्चित तौर पर वो हथियार भी ला सकता है और सुशांत सिंह राजपूत को खत्म भी कर सकता है। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ होगा। और दोस्तों, सीबीआई ने अभी तक इसकी अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की है। अगर सीबीआई ने इस मुद्दे से जांच पड़ताल की होती तो शायद अब तक सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व हो गया होता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को पहले ड्रग्स भी दिया गया, सुशांत सिंह राजपूत को पहले कमजोर बनाया गया, सुशांत सिंह राजपूत को पहले डराने की कोशिश भी की गई। सीबीआई ने शायद अभी तक इस नजरिए से भी पूछताछ नहीं की है, अन्यथा शायद सुशांत सिंह राजपूत केस में यहां से भी कई परत खुलकर आती। हमने देखा है कि रिया चक्रवर्ती ने साफ साफ बताया कि सुशांत सिंह राजपूत डरने लग गए थे, उनको पता चल गया था कि उनके कमरे में किसी भूत प्रेत का साया है। अब आप खुद बता, जो बंदा पूरी दुनिया में घूम चुका है, जो बंदा चांद पर जाने की बात करता है, जो बंदा नासा से जुड़ा रहता है, वो बंदा भूत प्रेत में विश्वास करेगा क्या? लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ऐसा बोला और इस पर किसी को विश्वास नहीं होता। सीबीआई को इस नजरिए से भी पूछताछ करनी चाहिए थी रिया चक्रवर्ती से, लेकिन सीबीआई ने ऐसा भी शायद नहीं किया और इसी वजह से सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं। लोग सीबीआई से पूछ रहे हैं कि सीबीआई इस केस में क्या कर रही है, क्या सीबीआई इस केस को सॉल्व करना चाहती है, या फिर सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत को ठीक वैसे ही भूल गई जैसे आज तक बॉलीवुड के कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस चले गए और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला कि किस तरह से वो खत्म हुए। और दोस्तों, इसी वजह से सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सीबीआई ऐसा लगता है कि जानबूझ करके अब तो सुशांत सिंह राजपूत की केस सॉल्व करना ही नहीं चाहती। और मैं आपको बता दूं कि अब तो सुशांत सिंह राजपूत केस में दूसरी सीबीआई की टीम की जांच की मांग भी की जाने लग गई है। देखना है कि इस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। फिलहाल ये बात साफ है कि सीबीआई ने इस केस में बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई है। आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।